नकली शराब बनाकर अपने ठेके पर बेचने वाला ठेकेदार साथियों के साथ गिरफ्तार। लाइसेंसी देशी शराब के ठेके पर मिलावटी अवैध शराब बनाकर बेचने वाले गिरोह का इटावा पुलिस ने पर्दाफाश कर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी प्रशांत कुमार ने बताया कि बीती रात्रि को थाना बलरई पुलिस द्वारा कचोरा घाट के सामने संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग की जा रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया, जिसे संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति द्वारा मोटरसाइकिल को तेजी से भगाने का प्रयास किया गया, जिसे पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की तलाशी लेने पर उसकी मोटरसाइकिल की डिग्गी से 4 क्वार्टर अवैध देशी शराब के बरामद हुए, जिन पर लगे बार कोडों को स्कैन करने पर कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई, जिसके संबंध में पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तों से कड़ाई से पूछताछ में पता चला कि गिरफ्तार अभियुक्त राम नरेश उर्फ पप्पू अपने साथियों के साथ मिलकर अपने घर पर अवैध मिलावटी शराब बनाकर बेचता है। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर बलरई पुलिस एसओजी टीम इटावा थाना जसवंत नगर की टीम द्वारा अभियुक्त के घर से 2 अभियुक्तों को अवैध शराब बनाते गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से 10 पेटी अवैध मिलावटी शराब, 5 किलोग्राम यूरिया, 2900 फर्जी QR कोड, 124 ढक्कन टॉफी बनाने की 3 मशीनें बरामद की गई। कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि अधिक लाभ कमाने हेतु यूरिया के लिक्विड को शराब में मिलाकर मिलावटी शराब बनाकर उन पर फर्जी QR कोड लगाकर अवैध रूप से शराब की बिक्री करते हैं, साथ ही नकली चॉकलेट और टॉफी भी बनाते हैं। एसपी सिटी ने बताया कि अभियुक्त अमरीश के नाम पर ग्राम जसोहन एवं पूठन सकरोली में देसी शराब की दुकान का लाइसेंस है और वो ठेके पर भी मिलावटी शराब की बिक्री करता है। उक्त देसी शराब के ठेके के लाइसेंस के निस्तरीकरण हेतु जिला अधिकारी को रिपोर्ट भेज दी गई है। पुलिस द्वारा राम नरेश उर्फ पप्पू पुत्र श्री पेशकार नगला उदय सिंह थाना जसवंत नगर, अमरीश पुत्र वीरेंद्र सिंह निवासी नगरिया भाटा थाना जसवंत नगर जिला इटावा, उमेश पुत्र राजेंद्र प्रसाद निवासी पुटपुरा कल्याणपुर थाना फतेहाबाद जनपद आगरा को गिरफ्तार किया गया है। इनका एक साथी फरार होने में कामयाब हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अंतर्गत 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और उनके कब्जे से जो है जो 10 पेटी अवैध जो पौवे मिले हैं, लगभग 5 किलो के आसपास यूरिया मिले हैं, 2900 फर्जी जो आपके QR कोड होते हैं वो बरामद हुए हैं, 124 ढक्कन जो होते हैं जो कि बॉटल्स पे लगाए जाते हैं वो बरामद हुए हैं, और 3 अवैध टॉफी बनाने वाले जो मशीन्स होती हैं वो भी इनके पास से बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त टॉफी बनाने के लिए जो विभिन्न केमिकल्स और एसेंस होते हैं वो भी इनके कब्जे से हुआ है बरामद, 1 बजाज जो मोटरसाइकिल हुई है बरामद, और एक कंघा भी बरामद हुआ है जिसके द्वारा वो बॉटल पे ढक्कन लगाकर उसको वो सील करते थे। बिल्कुल, इसमें एक अभियुक्त है उसका नाम अमरेश है जो कि एक अनुज्ञापी भी है और उसके नाम से देशी जो ठेका का दुकान है वो भी है, और वो क्या करता था कि उसका एक पार्टनर है महेश सिंह, उसके साथ मिलकर जो दुकान की जो भी शराब थी वो सब महेश सिंह के घर पे रखते थे और वहीं पर इनमें विभिन्न प्रकार से अपमिश्रित करके वो शराब को मार्केट में बेच रहे थे। क्या लग रहा है ये जितनी बड़ी पुलिस ने सफलता हासिल की है तो ये आने वाले चुनाव में ये शराब इस्तेमाल की जा सकती है? ये कहना तो मुश्किल है कि इसका इलेक्शन में उपयोग होगा, लेकिन यह है कि इसको दृष्टिगत रखते हुए हम बिल्कुल इस पर जो हम सतर्क दृष्टि बनाए हुए हैं और जनपद में कहीं भी किसी भी जगह पर इस प्रकार की सूचना प्राप्त होती है तो सभी जो थानाध्यक्ष हैं वो सक्रिय है और इस पर जो है तत्परता से इस समय जो कार्रवाई की जा रही है और जहां भी ऐसी सूचना मिलेगी उस पर हम संयुक्त रूप से हम कार्रवाई करेंगे। पकड़ी हुई शराब की कीमत क्या आ गई है? टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए इटावा से नीलकमल की रिपोर्ट।